हेलो एवरीवन, आई एम आदित्य आजन वाचिंग द सोशल इंडियन। और आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने जा रहे हैं कि आपका जो एग्ज़ाम है वो अब एक महीना आगे सरक गया है। वैसे तो रेगुलरली एग्ज़ाम जो है लास्ट ईयर्स तक जुलाई एंड में हुआ करता था, लेकिन अभी एग्ज़ाम जो है आपके लिए इस साल टेंटेटिव डेट्स जो आई हैं वो आई हैं 6 सितंबर से लेकर 11 सितंबर के बीच में, यानी उस टाइम तक कभी भी एग्ज़ाम हो सकता है। आज जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो लगभग हमारे पास 40 दिन मिनिमम बचे हुए हैं हमारी DULB की प्रिपरेशन को एनहेंस करने के लिए, और ये टाइम बहुत काफ़ी है। अगर आपने अब तक प्रिपरेशन शुरू नहीं भी की है तो भी आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छा कर सकते हैं, और जिन लोगों ने अपनी प्रिपरेशन को पहले से स्टार्ट किया हुआ है वो अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा अच्छा बूस्ट कर सकते हैं। तो ये वीडियो उसी के बारे में है। अब इस बार आपको जब टाइम ज़्यादा मिला है तो आप ये सोचिए कि आप सभी लोग यहाँ पर दो दो तीन तीन महीने मिनिमम क्वारंटाइन थे, होम क्वारंटाइन थे, घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, तो आपके साथ जो सिचुएशन रही है वही की वही सिचुएशन यहाँ पर बाकी सभी लोगों के साथ भी रही है। तो अगर आप ये मान के चलिए कि आपने एक घंटा पढ़ा है तो बाकी सभी लोगों ने भी एक घंटा तो पढ़ा ही होगा, और जिन्हें हम कहते हैं सीरियस एस्पिरेंट और नॉन सीरियस एस्पिरेंट, वो दोनों ही लोग जो है इस बार कुछ ना कुछ तो पढ़े होंगे। जो नॉन सीरियस एस्पिरेंट है उन्होंने भी सोचा होगा चलो यार कुछ तो तैयारी कर ही ले, कुछ तो पढ़ ही लेते हैं। तो इस साल हम उम्मीद कर सकते हैं कि कॉम्पिटिशन थोड़ा सा बढ़े, और जब कॉम्पिटिशन बढ़ता है तो दो तरीके होते हैं उस कॉम्पिटिशन को कम करने के लिए। या तो आप वो जो 3 इडियट्स में आपके लिए जो साइलेंसर का तरीका था वो आप अपना सकते हैं कि बाकी लोगों को डाउन कर लो, या फिर अपने आप के लेवल को जो है ऊपर बढ़ा लो। तो साइलेंसर वाला तरीका तो शायद आप नहीं कर पाए क्योंकि सभी लोगों को आप नहीं जानते हैं कितने लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन आप दूसरा तरीका जरूर अपना सकते हैं रेंचो वाला कि अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर लो। और आप कैसे बूस्ट कर सकते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अब पहली चीज़ तो आपको ये करनी है, अब इस टाइम को जब आपको यूटिलाइज करना है तो अपना शेड्यूल बना लीजिए जी। 40 दिन मेरे पास बचे हैं, मैं 10 दिन में शुरू में क्या करूँगा, 15 दिन में क्या करूँगा, 20 दिन में क्या करूँगा, ये आपका अपना अपना सबका अलग शेड्यूल होगा क्योंकि सबकी मेहनत करने का तरीका और सबका पढ़ने का तरीका अलग अलग हुआ करता है। तो मैं शेड्यूल पर ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा, मैं आपको ये कहूँगा जो भी आप शेड्यूल बनाएं उसमें चारों पाँचों सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके लिए, उन सभी को इंक्लूड करें। आप किसी भी सब्जेक्ट को मिस ना करें, चाहे वो लीगल हो, चाहे वो आपके लिए इंग्लिश हो, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो लॉजिकल रीजनिंग हो, आप किसी को भी मिस ना करें, क्योंकि हो सकता है जब पिछले साल लीगल के ज़्यादा क्वेश्चन आ गए थे तो इस साल किसी और पोर्शन के ज़्यादा क्वेश्चन आ जाएं। लेकिन हाँ, लीगल इंपॉर्टेंट हो जाता है, साथ ही साथ आपके लिए लॉजिकल रीजनिंग और मैथ्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लीगल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, लॉजिकल रीजनिंग और मैथ्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ आप वहीं पर स्कोर कर सकते हो। तो लॉजिकल रीजनिंग और मैथ्स में तो मैं कहूँगा कि अगर 15 क्वेश्चन आए तो 15 के 15 क्वेश्चन आपके 60 मार्क्स पक्के होने चाहिए, कोई कमी वहाँ पर नहीं छूटनी चाहिए। अब जब मैं कहता हूँ आप प्रिपरेशन को बूस्ट कीजिए तो मेरे कहने का मतलब है आप कम ज़्यादा चीज़ों को कम टाइम में पढ़िए। अब वो आप कैसे कर सकते हैं जी, आप एक ही बुक को या तो 3 बार रीडिंग दें जल्दी जल्दी, या फिर 3 बार के टाइम लगाकर आप एक ही बुक को रीडिंग दें। अब मान लीजिए आप एक बुक को 3 दिन में पढ़ते हैं, ठीक है, तो आप उस एक बुक को 3 बार में पढ़ पाते हैं, जी हाँ 3 दिन में आपने पढ़ा, बहुत अच्छे से डिटेल में उसे पढ़ा। लेकिन आप एक दूसरे आदमी से कंपेयर कीजिए जिसने एक दिन में एक बुक को 1 बार पढ़ा, अब वो क्या करेगा, वो यहाँ पर 3 बार उस बुक को पढ़ लेगा। तो ऑब्वियसली बात है जिसने 3 बार पढ़ा है, भले उसने अब्रप्टली पढ़ाओ तो वो नॉलेज जो है वो ज़्यादा गेन करेगा। ऐसे ही जितना हो सके रीड रिवाइज रिपीट, इस पर ज़रूर फोकस कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। अब मैं आपसे बात करता हूँ एक बूस्ट आप कैसे दे सकते हैं अपने प्रिपरेशन को। तो जी हमारे लॉजिकल रीजनिंग और मैथ्स का बैच जो है वो 27 जुलाई से यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है आपके लिए, यानी परसों से। तो आज जब मैं ये वीडियो डालूंगा तो आप लोगों के पास टाइम बहुत कम होगा, और मैं टाइम इस बार कम इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फायदा हो। दूसरी चीज़ कि हमने यहाँ पर आपके लिए लिमिटेड सीट्स रखी हैं। अब वो लिमिटेड सीट्स क्यों रखी हैं, क्योंकि मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग में हमें लगता है कि एक एक बच्चे पर, एक एक स्टूडेंट पर बहुत अच्छे से फोकस करना चाहिए, और जब तक एक एक डाउट क्लियर नहीं होता है तब तक हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो टाइम कंस्ट्रेंट को देखते हुए जो 10 दिन का ये कोर्स है उसके लिए हमने बहुत ही लिमिटेड सीट्स रखी हैं। अगर आप इसमें एनरोल करना चाहते हैं तो डिटेल्स मैं नीचे छोड़ दूंगा, अगर आप नहीं भी करना चाहते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, खुद भी इसे प्रिपेयर किया जा सकता है। लेकिन हाँ, अगर आप एनरोल करते हैं तो आपको थोड़ी सी ये मिल जाता है कि प्रिपरेशन आपकी एनहेंस हो जाती है, अच्छी गाइडेंस मिल जाती है, अच्छे तरीके से आपको क्वेश्चन बैंक्स में हम यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं आपके लिए हर टॉपिक के, तो वो चीज़ें तो आपको बेनिफिट होता ही होता है। चलिए दूसरी मैं अगर बात करूँ आपसे, तो अब आप न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू मत कीजिएगा। आप ये सोचें कि सर ने न्यूज़पेपर पढ़ के पास किया था तो हम भी न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दें, अभी मत कीजिएगा, आप टाइम नहीं रहा। मंथली मैगजीन्स उठाइए, करंट अफेयर्स को पूरा कीजिए, जुलाई तक का कर लीजिए, मुझे लगता है अगस्त तो आप 14-15 तक आप पढ़ लीजिएगा, उससे ज़्यादा आप मत पढ़िएगा, न्यूज़पेपर ही काम कर देगा उसका तो। लेकिन इंग्लिश के लिए और आपके लिए जो बाकी सब्जेक्ट हैं जीके के लिए भी बहुत अच्छे से मेहनत कीजिएगा, किसी भी सब्जेक्ट को छोड़िएगा नहीं, क्योंकि अगर आप एक सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं तो आपके लिए दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है, क्योंकि पैटर्न यहाँ पर कोई फिक्स नहीं है, कुछ भी चीज़ें कहीं से भी पूछी जा रही हैं।
चलिए अब इसके बाद मैं इस वीडियो के एंड में आपके लिए कुछ रिव्यू वीडियोस अटैच कर दूंगा, क्योंकि जो हमारा थर्ड बैच है वो हम रिलीज कर रहे हैं 27 से, तो सेकंड बैच की कुछ रिव्यू वीडियोस मेरे पास आई हैं, आप जैसे ही प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स ने मुझे भेजी हैं, और कई बार जब मैं उन्हें देखता हूं तो मुझे लगता है कहीं मैंने पैसे देकर तो नहीं बनवाई है, तो जी ऐसा नहीं है, वो बहुत ही जेन्युइन आप जैसे ही बच्चे हैं, और आप भी जब बैच कंप्लीट कर लेंगे तो आप भी ऐसी रिव्यू वीडियोस हमें बनाकर देंगे। इसी आशा के साथ इस वीडियो को खत्म करता हूं और मिलते हैं नई वीडियो में। भारत माता की जय। जय हिंद। Hi, my name is Kujhotika Ghosh, and sir, I just want to say that you're an amazing teacher. Thank you so much for teaching us in such a clear and concise manner and for solving every doubt that we had. And yeah, before joining the classes, I had a few doubts regarding a few topics, but after joining, I'm really confident of the portions which you have taught us. Thanks to you, and I hope I haven't irritated you much with my questions, and I have a few more questions in the coming days. And yeah, thank you so much for being so approachable and helping us in every way possible. You're really helpful and you're an amazing human and an amazing teacher. Thank you so much. Hi, good morning everyone. This is Suraj Suhag. I'm a working professional. I'm in touch with the Social Indian channel since quite a few months, and nowadays I'm attending Aditya Yadav ji classes of mathematics and logical reasoning. Before this, I also attended his classes of legal aptitude, and I found both the classes, whether that is mathematics and logical reasoning as well as the legal aptitude classes, I found both the classes very, very informative. With this mathematics and logical reasoning, I would like to say one more thing. These classes brushed up my skills, and now I'm again feeling quite confident that I can go through with any sort of examination. With this, I'd like to say thanks to Mr. Aditya Yadav for supporting the students like us. Thank you very much. Hello, this is Soumya. The Social Indian platform have been very much supportive for me during my preparation of Dual LLB and achieving my goal. So, and this logical reasoning class and maths class have been very much helpful for me, as my concept got cleared. I got a great knowledge, and I'm even able to solve many of my questions and paper too. So Adit sir, thank you so much. We are getting a great help from you. Thank you so much. First of all, thank you Aditya sir, जिनसे मैंने ऑनलाइन क्लासेस ली, और सर ने बहुत अच्छी तरह हमें पढ़ाया, हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कराए। लॉजिकल रीजनिंग में पहले भी पढ़ता था, पहले मुझे बहुत डाउट होते थे, लेकिन सर ने सारे डाउट क्लियर करा दिए, ये बोल सकते हैं। अब कोई प्रॉब्लम नहीं आती, पहले मुझे काफ़ी प्रॉब्लम होती थी क्वेश्चंस करने में, और सर का एग्जांपल समझाने का तरीका मुझे बहुत पसंद आता है। हमारे डेली के नेचर से जोड़कर सर एग्जांपल देते हैं। मुझे ऑनलाइन क्लास लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मेरा कहना यही है, एक बार आप ज्वाइन करके ज़रूर देखिए। थैंक यू आदित्य सर, जीरो से हीरो बनाने के लिए। थैंक माय नेम इज़ देवी, और मुझे सर की क्लासेस का पता उनके यूट्यूब चैनल से लगा था, जो कि है द सोशल इंडियन। और सर के पास मैं दो बैचेस से हूँ। मैंने सर की लीगल क्लासेस भी ले रखी थी, और इस बार का मेरा लॉजिकल क्लासेस था। तो सर, मतलब आप जब तक खुद नहीं पढ़ोगे ना, आपको नहीं पता चलेगा सर कैसे पढ़ाते हैं। हमने पढ़ा है सर के पास, तो हमें पता है कि सर कैसे पढ़ाते हैं, इसलिए हम आपको रिव्यूज़ भी देते हैं। आप जितनी रिव्यूज़ वीडियोस देख लो, शायद आपको उतना अच्छा एक्सपीरियंस ना हो जितना हमें हुआ है, क्योंकि हम बच्चे पढ़े हैं ना सर के पास, हमें पता है कि सर कैसे पढ़ाते हैं। सर हम सबको एक साथ लेके चलते हैं। सर कभी भी जेंडर इक्वलिटी नहीं करते कि सिर्फ मैं लड़का हूँ तो मैं सिर्फ लड़कों को बुलाऊंगा, या फिर लड़कों से डाउट पूछूंगा, या फिर अपने एग्जांपल्स में मैं सिर्फ लड़कों का नाम लूंगा। सर लड़कों को सबको एक साथ लेके चलते हैं। सर हम सबसे बहुत प्यार करते हैं। सर बिल्कुल फ्रेंडली, आप कैसे लगते हैं सर ऑनलाइन नहीं, सर आपके पास बिठा के आपको पढ़ा रहे हैं। तो मैं तो बस आपको इतना कहना चाहूँगी कि सर की क्लासेस बहुत अच्छी थी। सर अगर आगे बैचेस शुरू करते हैं तो मैं तो कहती हूँ आप डेफिनेटली लो,
एक बार क्लास लेके तो देखो फिर बताना भाई, मतलब बहुत बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। हाँ बहुत ही ज़्यादा, मतलब सर को ना ऐसे आप मिस करोगे कि यार क्लासेस ख़त्म हो गई, यार 10 दिन हो गए, पता ही नहीं चलेगा आपको कब आपके 7 दिन हो जाएंगे, कब आपके 10 दिन हो जाएंगे, कब आपका डाउट सेशन हो जाएगा और सर की क्लासेस ख़त्म भी हो जाएंगी। क्योंकि क्लासेस में आपको पढ़ते पढ़ते पता ही नहीं चलेगा। मुझे खुद, मैं कह रही हूँ, मुझे खुद मैथ इतनी अच्छी नहीं लगती। इस बार मैंने मैथ की क्लास ली थी, आप मानोगे मैं घर बैठ के 100-100 क्वेश्चंस मैं सॉल्व कर रही हूँ और मुझे मैथ्स बिल्कुल नहीं पसंद थी। और सर की क्लासेस ने मुझे इतना इंस्पायर किया, सर ने मुझे इतनी अच्छी तरीके से समझाया, सर के पास डेढ़ डेढ़ घंटे बैठ के हम इतने सारे क्वेश्चंस सॉल्व करते थे, मतलब बहुत अच्छा। आपको आपको अपने जिस आप जिस सब्जेक्ट से हेट करते हो आप बोलोगे वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, जैसे कि मैथ्स मुझे नहीं पसंद, अब मुझे मैथ पसंद है क्योंकि मैथ्स को मैं मजे मजे से कर रही हूँ। क्योंकि किसने सिखाया? आदित्य सर ने। सच में मैं तारीफ नहीं कर रही, मैं बता रही हूँ आपको कि सर इतना अच्छा पढ़ाते हैं इसीलिए हम बोल रहे हैं, वरना यार हम क्यों बोलेंगे? आप खुद बताओ, हम भी आपकी तरह बच्चे हैं, हमें क्या मतलब, हमें क्या मतलब सर से? हम ना सर को जानते ना सर हमें जानते, बस पढ़ टीचर और स्टूडेंट्स का है। और टीचर और स्टूडेंट्स का कब फ्रेंडली हो जाएगा वो भी आपको कभी पता नहीं चलेगा। शायद मैं ज़्यादा बोल गई, पर यार इतना भी, मैं तो कह रही हूँ इतना भी कम है सर के लिए। आदित्य सर इट्स ऑसम सर, थैंक यू सो मच हम सबको इतना टाइम देने के लिए, हमें पढ़ाने के लिए, सर को हमें मतलब ड्यू क्रैक करने के लिए। हमारी इतनी डेडिकेशन नहीं होगी जितनी सर की है कि नहीं बच्चों को डेडिकेशन, बच्चों को क्रैक करवाना है, क्रैक करवाना है। सर तो बोलते हैं चाय पीने आ जाओ, फ्लैट में आ जाओ, हम मिलके मजे करेंगे। तो मतलब आप इन सब बातों से खुद देख सकते हो कि सर मतलब कितना फ्रेंडली हमारे से, कितना ज़्यादा। सर सर सोचते ही नहीं है हम उनके बच्चे हैं, वो स्टूडेंट्स हैं, फ्रेंड्स, जस्ट फ्रेंड्स। फर्स्ट डे वेरी फर्स्ट डे तुम कहोगे यार ये सर नहीं है यार, ये तो फ्रेंड है अपने, सही में। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आपको पता है ऐसा ना, लास्ट बात है मेरी, लास्ट है, इसके बाद लास्ट बात है, आप बोलोगे कॉन्फिडेंस आ गया मेरे में, कॉन्फिडेंस। मैं सिर्फ ड्यू LLB का क्या, मैं हर किसी का एग्जाम क्रैक कर सकता हूँ। सर इतनी मोटिवेशन भी देते हैं, सर इतना अच्छा पढ़ाते भी हैं, ऑलराउंडर आदित्य सर, ऑलराउंडर फाइनल सर। थैंक यू सो मच हमको टाइम देने के लिए, थैंक यू सो मच हमको पढ़ाने के लिए, थैंक यू सो मच इतने कम अमाउंट में इतना ज़्यादा ज्ञान बांटने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, बस बाय। हेलो एवरीवन, मेरा नाम सत्यम सिंह है और मैं एक ह्यूमैनिटीज़ का स्टूडेंट हूँ। और क्योंकि मैं ह्यूमैनिटीज़ का हूँ तो मैथ्स मैंने 2.5-3 साल से पढ़ी नहीं थी, इसीलिए मैंने सोचा था कि एंट्रेंस एग्ज़ाम में मैं मैथ्स स्किप कर दूंगा। ये कोर्स ज्वाइन करने से पहले मेरे अंदर काफ़ी कन्फ्यूजन थी कि कैसे इसमें पढ़ाया जाएगा, 10 दिन में कैसे सब कुछ कंप्लीट होगा। लेकिन जब मैंने कोर्स ज्वाइन किया और पहले 1-2 दिन में इस बात समझ में आ गई कि हाँ कोर्स काफ़ी सही है, और मुझे कॉन्फिडेंस आने लगा जैसे जैसे सब पढ़ाते गए। और प्रॉब्लम सॉल्विंग भी काफ़ी अच्छी है, वो ट्रिक्स काफ़ी अच्छी अच्छी बताते हैं। और सबसे सही चीज़ इसमें ये है कि मैथ्स जो इंट्रैक्शन यहाँ मिलता है मैथ्स सॉल्व करने के दौरान, वो सबसे बेस्ट है। और इसीलिए आप लोग सोचिए मत कि क्लास ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं, आप बस ज्वाइन कर लीजिए, आपको इस बात का गिल्ट नहीं होगा। थैंक यू। माय नेम इज़ सुरेश गुप्ता एंड अभी मैंने आदित्य से लॉजिकल रीजनिंग और मैथ का कोर्स कम्प्लीट किया है। एक्चुअली जब मैंने कोर्स के बारे में सोचा तो मुझे लगा ये तो यंग है, कैसे पढ़ाएगा। एंड जब मैंने फीस के बारे में सोचा तो मुझे लगा कि जिस हिसाब से फीस है उस हिसाब से एज यूजुअल होगा और कुछ खास नहीं, ऐसे ही सिंपल पढ़ाएगा। तो मैंने कहा चलो इतने पैसे तो हम पार्टी में वेस्ट कर देते हैं, लेके देख लेते हैं। एक्चुअली मेरे पास 2 क्वालिफिकेशन और भी है प्रोफेशनल, एक MBA है, एक ICW है। सो जब मैंने स्टार्ट किया इनके साथ और मेरी फर्स्ट क्लास थी तो मुझे इतना एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि ये इतना बढ़िया पढ़ाएंगे। सो शुरू में तो थोड़ी डिफिकल्टी हुई, लेकिन बाद में धीरे धीरे टाइम बीतता गया तो अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती गई। तो मैं इनके लिए सिंपल एक शब्द कहना चाहता हूँ कि इनका जो टीचिंग वे है इट इज़ नॉट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बट
ही टोट अस एनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन यू कैन सोल्व इन ए इजी वे, इन ए सिंपल मैनर, इन ए मिनिमम टाइम। और जिस हिसाब से फीस है, जिस हिसाब से ये चार्ज करते हैं, आई थिंक इससे ज़्यादा क्या मिलेगा इतने में। इट इज़ गुड, और मेरे हिसाब से हर किसी को एक चांस लेना चाहिए, क्योंकि इतने पैसे तो आप कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हो। इसकी बुक भी लेने जाओगे तो वो भी अराउंड 1000 or 2000 के करीब आती है। लेकिन जो इनका तरीका पढ़ाने का, सबसे बेस्ट थिंग है कि कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं, और अगर आप में कॉन्फिडेंस आ जाता है तो आप किसी भी क्वेश्चन को अटेंड तो एटलीस्ट कर पाएंगे। और दूसरी बात ये कि हम इनको जिस हिसाब से इन्होंने पढ़ाया है, अगर हम उस चीज़ को हार्ड वर्क करके कंप्लीट ना करें, जो भी असाइनमेंट देते हैं उसको हमें कंप्लीट करना पड़ेगा। अदरवाइज हम ये इनको ब्लेम नहीं कर सकते कि यार ऐसा इन्होंने पढ़ाया, ऐसा हुआ। ये जस्ट आप में कॉन्फिडेंस बिल्ड करेंगे, और कैसे प्रॉब्लम को सोल्व करना है ये, और किस तरीके से उसका आंसर देना है मिनिमम टाइम में, इन्हें सिंपली मैनर सिखाते हैं। मेरे हिसाब से जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है बहुत ही अच्छा रहा है, और अगर मुझे मार्क्स देने हो तो मैं 10 out of 10। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। हेलो, आई एम हिमानी चाहर, आई हैव जॉइंड बैच ऑफ DSOI ऑफ लॉजिकल रीजनिंग प्लस मैथ्स। सर, इट्स जस्ट अमेजिंग, उन्होंने सब कुछ क्लियर कर दिया है। मतलब वो एक जीरो से हीरो बनाते हैं, जैसा वो अपना लाइक प्रोस्पेक्टस वीडियो टाइप जो है उसमें पहले से ही बता देते हैं कि मैं जीरो से लेके जाऊंगा और हीरो तक बना लूँगा। बिल्कुल सर ब्रूस ली से हमें रोज़ लड़वाते हैं, और बहुत ही अच्छे से एक एक कॉन्सेप्ट उन्होंने क्लियर किया। मैंने उनका लीगल रीजनिंग का भी बैच ज्वाइन किया था, और वहाँ पर भी सर ने मतलब मेरे को लॉ से प्यार करा दिया, तो बहुत बहुत अच्छा है। और मैथ्स और रीजनिंग में भी सर ने बहुत हद तक मेरे डाउट्स क्लियर करवा दिया, और वो भी मतलब चुटकियों का खेल। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू अ लॉट। मैं बोलूँगी कि सबको ज्वाइन करना चाहिए ये क्लास, क्योंकि सर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, समझाते हैं, एक एक टॉपिक के PDFs भेजते हैं, जिसमें मतलब अगर हमने सर का ये बैच हमने ज्वाइन कर लिया ना, तो मतलब ये कि हम DU तो क्या, हम सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो बेसिक होता है लाइक बैंक्स और इन सब के हम अच्छे से क्लियर कर लेंगे, क्योंकि इसमें वो सब कुछ है। मतलब थोड़ा बहुत नहीं होगा, पर मेरे को नहीं लगता कि कुछ नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग सर ने सब कुछ करवा दिया, और DU लॉ के लिए तो बेस्ट है। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट। मैं यही बोलूँगी बस, बाकी सबको ज्वाइन करना चाहिए, बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छी क्लासेज, और पहली बात ये कि बहुत रीजनेबल देखते हैं। थैंक यू।